नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन्हीं उपायों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। इस प्रकार से अगर विवेक में कोई वस्तु आती है तो वो वस्तु को आपको जरूर अजमा के देख लेना चाहिए, क्योंकि वो काम की होती है। आज हम बात करेंगे आपका जो भविष्य बताया जाता है कई पद्धतियों से, एक पद्धति होती है मूलांक। मूलांक पद्धति जो होती है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जैसे मान लीजिए आज हम बात करते हैं मूलांक आठ वालों की, तो मूलांक आठ वालों का आठ नंबर शनिदेव का होता है। लेकिन मूलांक आठ कैसे बनता है, मान लीजिए 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है या 17 तारीख को, इस प्रकार से आप निकाल लें। इसके कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं। अगर मूलांक आठ वाले इसको देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें, हनुमान जी से बड़ा संबंध रहता है, हनुमान जी का लॉकेट पेंडेंट इत्यादि ज़रूर पहना करें मूलांक आठ वाले, बहुत अच्छा इनको बल मिलेगा। लोहे की, स्टील की, अनेक प्रकार की आप सूर्य की उंगली में रिंग फिंगर जिसको वो, उसमें आप पहन सकते हैं। हरे और नीले रंग की पेन बहुत ही शुभ आपको रहेगी अगर आप उसको रखते हैं तो। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। दिन जैसे 5, 14, 23, 6, 15, यानी कि ये दिन दिवस उत्तम। वाहन नंबर की अगर हम बात करें तो 51 लिखवा के ज़रूर रखें। मोबाइल नंबर 6 से शुरू होकर अंत में 6 या 5 वाला अंक, ये भी अच्छा जा सकता है। कई प्रकार से आप मूलांक 8 वालों के लिए आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कितनी चीज़ें उपलब्ध हैं जो आप ठीक कर सकते हैं। केवल मूलांक जान के, जैसे ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें, बड़ा ही लाभ होगा। दिशा है जैसे दक्षिण, पूर्व, उत्तर दिशा, और अगर अंक की बात करें तो 6 और 6 का पीतल का यंत्र जरूर अपने पास अंक का रखें। तो आप लोगों ने इसको देखा होगा, नोट किया होगा मूलांक आठ वालों के लिए। अन्य मूलांक के लिए भी हम जरूर बातचीत आगे करेंगे। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, आज का दिन आपकी आशाओं पे, आकांक्षाओं पे, अपेक्षाओं पे कुछ खरा उतर सकता है। घर एवं बाहर अनुकूल वातावरण मिलने से, मनचाहा कार्य करने से, परिश्रम करने से आप बिल्कुल ना घबराएं। किसी सज्जन से आनंददायक समाचार भी आपको प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। घर में सुख के साधनों की खरीदारी पे आप खर्च करेंगे। क्या कर ले उपाय है आज का, 1.25 मीटर लाल वस्त्र ले ले, चमकीला वस्त्र मंदिर में दान करें। 6 का अंक गुलाबी और लाल रंग ही शुभ है। वृषभ राशि वालों, परिवार में कुछ अनबन हो सकती है लेकिन अप्रिय घटना होगी तो बहुत ही क्षणिक होगी, ठीक हो जाएगी बाद में। प्रातःकाल का समय थोड़ा सा आलस्य से आपका बीत सकता है। पड़ोसी से इत्यादि या आसपास के लोगों से, मित्रों से भी वर्चस्व को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। वाणी व्यवहार से किसी का अहित ना हो इसका आप ध्यान रखें। परिजनों के साथ मिलकर यात्रा, पिकनिक या मनोरंजन के कुछ भी साधन आप अपना सकते हैं। लाल फल, सूखे मेवे का दान करें और लाल मिर्च डाल के जल जरूर चढ़ाएं सूर्यदेव को। मजंटा कलर, नीला रंग और 8 का अंक शुभ है। मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं तो आज का दिन आप सुख शांति से बिताएंगे, यानी कि आज का दिन आपका सामान्यता अच्छा रहेगा, सेहत भी सामान्य आपकी बनी रहेगी। घरेलू कार्यों में आप थोड़ा अधिक व्यस्त हो सकते हैं, यानी कि आपकी व्यस्तता घरेलू कार्य में हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आशा के अनुरूप व्यवसायिक दृष्टिकोण बन सकता है। पुरानी देनदारी से कहा सुनी होने की संभावना हो सकती है तो आज उसको ना छेड़ें। भगवान भास्कर का और विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करें। नारंगी रंग 2 का अंक, 3 का अंक दोनों ही अच्छे हैं। कर्क राशि की बात करें, आज का दिन पहले से कुछ थोड़ा बेहतर दिख रहा है। बीच बीच में वातावरण कुछ खराब हो जाएगा, उसमें आपको क्रोध आ सकता है, तो वातावरण को अपने को
संभाल के चले। काम की गति धीमी रहने से आर्थिक परेशानी होगी। मादक पदार्थों से थोड़ा दूर रहिए। भागीदारी के कार्य में हानि होने की संभावना, आपकी यह लंबी यात्रा होने की संभावना है। आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें और श्री सूक्त का पाठ भी करें। गुलाबी रंग सात का शुभ है। सिंह राशि वालों, आपकी दिनचर्या थोड़ी सी आज अव्यवस्थित हो सकती है। कुछ ज़्यादा काम आप ले सकते हैं अपने काम के समय भी। दिमाग में थोड़ा विपरीत विचार लगे रहेंगे, उनसे दूर हो जाएं। आज के दिन कुछ ना कुछ आपको कमी लगेगी लेकिन वो दूर हो जाएगी। मित्र परिवार के साथ मनोरंजन इत्यादि शांति का अनुभव करेंगे। दुर्व्यसनों से दूर रहें, मादक पदार्थों से दूर रहें। लाल फल का, दूध का, सूखे मेवे का और अन्न का दान करें। गहरा गुलाबी एक कांग शुभ है। कन्या राशि वालों की बात करें, फिजूल की बातों पर मानसिक दबाव आप अनुभव करेंगे। घरेलू वातावरण पहले ही आपका कुछ आसान हो सकता है, तो थोड़ा सा समय एकांत में धन या उससे अधिक या अन्य विषयों पर बहस ना करें। पूर्व नियोजित आपकी अगर पर्यटन की योजना है तो बिगाड़ सकती है। घर के सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ा चिंता आपको हो सकती है। गाय को गुड़ खिलाएं, उससे भी खिलवाएं, सही हो जाएगा। मेहंदी एक काम शुभ है। तुला राशि की बात करें तो आज का दिन आपका मिला जुला फल देने वाला है। मिक्स्ड रिजल्ट आपको मिलेंगे। आर्थिक रूप से मध्यान तक का समय आपका वैसे ठीक रहता हुआ दिखाई देगा। धन लाभ की अपेक्षा खर्च आपके अधिक होते हुए देखे जा रहे हैं। तो तुला राशि वालों, परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर टकराव आपका होता हुआ देखा जा रहा है। विवेक से काम लें। अन्न का दान करना अच्छा है और मूंग की दाल का दान करना अच्छा है। दस का अंक फिरोजी रंग शुभ है। बात कर ले वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपका सामान्य फलदायक रहने वाला है। कुछ विशेष कार्य नहीं करने पर भी दिन भर आपका कुछ आलस्य का भाव रहेगा। सेहत भी आपकी थोड़ी सी प्रतिकूल रहेगी। अनुकूलता आपसे थोड़ी सी आज दूर जा रही है। निष्क्रियता की भावना रहने की संभावना है, तो आप अपनी चीजों को डाइवर्ट करिए। चीजों को गुरुवार का आपका उपाय अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आप अपनी माता का आशीर्वाद लें। सनराइज कलर छह का अंक शुभ है। धनुराशि की बात करें, आपका किसी प्रकार के शौक में मन व्यतीत हो सकता है। मनपसंद काम करने की आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कम आज बोलने की तरफ ध्यान दें। अपने भावों को कम शब्दों में प्रकट करें। उत्तम भोजन वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा। धनुराशि वालों, आपके कुछ अपव्यय हो सकते हैं। शिवलिंग पर कच्चा दूध, चांदी के लोटे से आप गिलास इत्यादि से चढ़ाएं तो अच्छा है। तीन कांक पीला रंग शुभ है। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, कुछ गलत निर्णय से आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में धोखा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। धन की समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन आप अपनी युक्तियों से उसको निकाल लेंगे। लेकिन चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ सकता है। किसी षड्यंत्र में फंसने की भी आपकी संभावना। सफ़ेद मिष्ठान आप दें लोगों को, जिसको जिसको भी वितरित करें। और 17 का अंक हरा रंग शुभ है। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपका बेहतर रहने वाला है। अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपका व्यवधान कुछ आता हुआ देखा जा रहा है। बाहरी स्थानों से संबंधित आकस्मिक कष्ट आपको देखना पड़ सकता है, सामाजिक रूप से भी। लेकिन आपका दिन अच्छा देखा जा सकता है, बोला जा सकता है। मान बढ़ने से गर्वित हो सकते हैं। शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें और कच्चा पनीर लेके पक्षियों के सामने डालें, कौवे इत्यादि पे, अच्छा रहेगा। नीला रंग आठ का अंक शुभ है। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। प्रतिकूलताएं आपसे आज दूर रहेंगी। मनोकामना पूर्ति का अगर इंतजार है तो आज आपको मिल सकता है। मध्याह्न के आसपास इसके पूर्ण होने पे आपको खुशी भी मिलेगी। काम धंधे की अपेक्षा अनुसार आपका धन लाभ आपको मिलता रहेगा। तो मीन राशि वालों, प्रलोभन में आके कोई काम ना करें। हनुमान जी की उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, लाभ होगा। चार कांग भूरा रंग शुभ है। तो हमने देखा मेष से मीन से मेष पर सारी राशियां। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है वो उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा मदद के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर
ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।